पाकिस्तान के साथ भारत का टकराव यदि और बढ़ता है तो भारतीय एयरफोर्स के रुख को विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के एक्शन ने तय कर दिया है। बुधवार सुबह हवाई मुकाबले में लॉक पर MiG-21 कॉम्बैट पायलट अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया। नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर सूत्रों ने बताया कि टकराव उस समय शुरू हुआ जब कम से कम 10 पाकिस्तान एयरफोर्स पफ एयरक्राफ्ट लॉक के पास भारतीय सैन्य ठिकानों की ओर बढ़ते दिखे। भारत की ओर से 2 MiG-21 फाइटर जेट्स और Sukhoi-30 लड़ाकू विमानों वाले कॉम्बैट एयर पेट्रोल को लॉन्च किया गया। वर्तमान पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ कर रहे F-16 विमान पर शॉर्ट रेंज R-73 मिसाइल दागने में कामयाब रहे, जिसने उसे गिरा दिया। इस भिड़ंत के दौरान उनका MiG-21 लॉक पार कर गया और इस दौरान उनका विमान जमीन से मार करने वाली मिसाइल या अन्य पाकिस्तानी जेट के द्वारा गिरा दिया गया। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी जेट 10-सीटर थे और इन्होंने 3 अलग एयरबेस से उड़ान भरी थी। पाकिस्तान जेट्स को भारत में कोई नुकसान पहुंचाने से पहले लौटना पड़ा। एक अधिकारी ने बताया, इस बात के पुष्ट सबूत हैं कि F-16 विमान गिरा दिया गया। इसे हमारे MiG-21 ने इंगेज किया था। जमीन पर मौजूद सैनिकों ने पाकिस्तानी जेट को गिरते हुए देखा। भारत पाकिस्तान सीमा पर गतिविधियां तेज हो गई हैं और कमर्शियल फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया गया। सूत्रों ने बताया कि इंडियन एयरफोर्स ने सारी छुट्टियां रद्द कर दी हैं और सभी स्टाफ को ऑपरेशनल ड्यूटी दे दी गई है। हालांकि अगर कदम राजनीतिक नेतृत्व को उठाना है, इंडियन एयरफोर्स के विकल्पों में पाकिस्तान के साथ और बड़ा हवाई टकराव शामिल है।